यमुनानगर में आज राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन के साथ साथ हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल ने मुख्य रूप से शिरकत की। आज के इस कार्यक्रम में नशा मुक्ति और अनेकता में एकता थीम रखा गया, जिसमें लोगों को नशा न करने का संदेश दिया गया। आज के इस कार्यक्रम में एक सीडी भी लॉन्च की गई, जिसमें नशा मुक्ति के ऊपर एक गीत जगाधरी की एसडीएम पूजा चावरिया ने लिखा था और प्रसिद्ध गायक विकास ललन ने अपनी सुरीली आवाज में स्टेज से प्रस्तुत किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जगाधरी की एसडीएम पूजा चावरिया ने कहा, उसका थीम नशा मुक्ति है और साथ के साथ अनेकता में एकता। नशा मुक्ति के लिए जिला प्रशासन की तरफ से मैंने चंद लाइनें लिखी थी, जिनको अपनी सुनहरी आवाज में सुरमय किया है श्री विकास रलन जी ने। उनकी अर्धांगिनी भी हमारे साथ है और बेटा जय। साथ ही साथ हमारे साथ सिख यूथ सेवा सोसाइटी के सदस्य हैं, श्री मनदीप सिंह जी हैं, और उन्होंने भी बहुत अच्छी पहल की है राहगीरी में कि वो एक रिंकू जी शायद उनको लेकर के आए हैं, जो नशे से उभर के आए हैं और अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आप रिंकू जी से भी दो शब्द जरूर पूछें। ऐसे लोग जो है हमारे समाज को प्रेरित करते हैं और किसी भी सोशल इवेंट से बचने में मदद करते हैं। मैडम जी, बिल्कुल, आज नशा मुक्ति के इस गाने की सीडी लॉन्च की गई है जिला प्रशासन द्वारा। और अभी कुछ ही देर पहले हमारे साथ माननीय श्री कंवरपाल जी, शिक्षा मंत्री और फॉरेस्ट विभाग भी उन्हीं के पास से वो हमारे साथ थे और उन्होंने शिरकत करी और अपने दल कमलों के द्वारा उन्होंने सीडी को लॉन्च किया। एसपी साहब श्री कुलदीप जी भी इस कार्यक्रम में थे और एक शुरुआत की गई है, क्योंकि आपने जैसा आप सभी को विदित है कि नेशनल जर्नलिज्म डे भी था 17 नवंबर को। तो हमारे मीडिया के साथी हैं जिनके सहयोग से हमने एक स्टॉल भी लगाई है, आओ चाय पिए अखबार पढ़े, कि लोगों को बताया जाए कि अखबार का माध्यम सबसे अच्छा माध्यम है खबरों से जुड़ने का। साथ के साथ गाड़ियों के रिफ्लेक्टर्स लगाए गए हैं और खेल खेल में मजे मजे में एक मैसेज सभी की तरफ से कि नशा मुक्त रहें, नशे से दूर रहें और जिम्मेवार नागरिक। जनता को प्रेरित करना, बुलाना प्रशासन और मीडिया का साझा काम है।